हेलो फ्रेंड, अब इस वीडियो में बताएंगे लंबा आस्तीन कटिंग करना। तो इस तरह से जो है कपड़ा लिए हैं, इसमें से दो बाजू कट होगा। इसको जो है डबल किए हैं, फिर एक बार इधर किए हैं। इधर जो है बंद भाग है, देखिए इधर खुला है। इधर के साइड जो है बाजू का मोहरी होगा, इधर आर्म होल होगा। तो देखिए 8.5 इंच लंबा हम आस्तीन कटिंग करेंगे। इसका जो कपड़ा है 9.5 है और इधर भी 9.5 है। बिल्कुल आसान तरीका से आपको बताएंगे आस्तीन कटिंग। पहले जो है आपको बाजू का जो मोहरी के गोलाई है उस पर निशान लगाएंगे। मोहरी के गोलाई है 5.5, 5.5 पर हम एक निशान लगाएंगे। 2 इंच सिलाई मार्जिन रहेगा इसी में। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, इधर से आपको दोनों तरफ कपड़ा सेम है, देखिए 9.5 इंच, इधर से आपको 3 इंच डाउन करना है। तो जो कपड़े का चौड़ाई है 10.5 रखे हैं और आपको जो है यहाँ से बाजू का शेप देना है। यहाँ तक आपको इस तरह से शेप देना है। आर्म होल का जो गोलाई है 8 है, 8 पर हम निशान लगाएंगे। देखिए यहाँ पर इस निशान से इस निशान में मिलाना है आपको। 2 इंच यहाँ से भी रखेंगे सिलाई के लिए। इस निशान से इस निशान में मिलाना है आपको। इस तरह से जो है बाजू का शेप दिए हैं। 8.5 इंच का कटिंग होगा। इसको जो है कट कर लेंगे। तो बाजू कटिंग जो है हो गया है, देखिए बहुत ही सुंदर हुआ है। और आपको जो है फ्रंट पाला में जो झोल नहीं आता है, आपको आर्म होल का कटाई यहाँ से करना है। देखिए यह जो कटिंग है सिलाई करते समय कट करते हैं, क्योंकि अस्तर इसमें लगाकर सीना है, अस्तर के साथ सीना है तो इधर उधर हो जाता है। तो सिलाई करते समय कट कर लेंगे। तो 8.5 इंच का बाजू कटिंग हो गया है। उसके बाद इसका मेन फैब्रिक रखे हैं, मेन फैब्रिक पर भी कट कर लेंगे बाजू। तो थोड़ा सा इसमें जो है मेन फैब्रिक का कपड़ा जो है इसमें सिलाई करके थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, क्योंकि छोटा है तो आप भी बढ़ा सकते हैं। अगर आपका बाजू का जो चौड़ाई है छोटा पड़ रहा है, तो देखिए इसका लंबाई सही है लेकिन चौड़ाई में थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, अस्तर यहाँ तक आ रहा है, तो थोड़ा सा हमको जो है बढ़ाना है तो बढ़ा लेंगे। तो यह जो है बाजू कटिंग हो गया है। इस तरह से जो है ज्वाइंट करेंगे, उसके बाद इसको कटिंग करके अच्छा से इसमें मिला लेंगे। तो यह जो है कटिंग हो गया है। तो यह जो है 8.5 इंच लंबा आस्तीन कटिंग कर लिए हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।